गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, जिसमें उसके एक भाग प्रथम अर्थात संज्ञा को हमने पढ़ा था। हम लोगों ने नाउन संज्ञा को पढ़ा था। आज उसके दूसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं उसके परिभाषा उसके उदाहरण सहित समझाते हुए चलता हूँ। विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, संज्ञा के अर्थ में कुछ वृद्धि करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा की विशेषता या संज्ञा के अर्थ में और वृद्धि करने वाले जो शब्द हैं उन्हें एडजेक्टिव, उन्हें विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा अंग्रेजी में होगी, वर्ड्स क्वालिफाइंग नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव। संज्ञा के अर्थ में, संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में वृद्धि करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए ब्रेव बॉय। तो यहाँ गुड बॉय राम की विशेषता बता, राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। ही इज ए ब्रेव बॉय, बॉय की विशेषता बता रहा, कैसा लड़का, बहादुर लड़का। देर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, बॉयज नाउन है, उनकी विशेषता बता रहा है, उसमें अर्थ और अर्थ में वृद्धि कर रहा है। 20 माने 20। इन दिस क्लास, क्लास क्या है, ये नाउन है, संज्ञा है, और दिस उसकी विशेषता है बतला रहा। तो ये शब्द जो है विशेषण। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है सर्वनाम, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के बदले जो बोले जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। यह हम देख रहे हैं जॉन आया है, जॉन क्या है, जॉन ये एक नाम है, नाउन है, संज्ञा है, लेकिन बिकॉज ही इज इल उसी नाम को दोबारा रिपीट न करके जॉन के लिए दूसरा शब्द ही का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ही प्रोनाउन। दूसरा बात, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। यहाँ बुक्स नाउन है, लेकिन बाद में उन्हीं के लिए हम देम शब्द का प्रयोग किए हैं, देम वर्ड आया है, वह प्रोनाउन है, सर्वनाम है। आगे है वर्ब, क्रिया, जिस शब्द से काम का करना या होना, किसी की गतिविधि या स्थिति का संकेत मिले उसे क्रिया कहते हैं। वर्ड्स विच टेल अबाउट सब्जेक्ट आर कॉल्ड वर्ब, अर्थात
जिस सब से किसी काम का करना या होना या किसी की गतिविधि या स्थिति का संकेत मिले उसे क्रिया कहते हैं। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। उदाहरण देखिए, द गर्ल रोट ए लेटर टू हर कजिन। यहाँ लिखने का काम हुआ है तो राइट रोट रिटन, यहाँ रोट जो है वह वर्ब है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, ये शहर की स्थिति बता रहा है। कोलकाता इज ए बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। इसमें इज स्थिति को बता रहा है तो यहाँ इज वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स, इसमें आर शब्द ए आर ई आर यह वर्ब है। इसके बाद आता है एडवर्ब, क्रिया वर्ब विशेषण एडजेक्टिव अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण एडवर्ब के अर्थ में कुछ वृद्धि करने वाले शब्द क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहलाते हैं। वर्ड्स विच मॉडिफाई एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब आर कॉल्ड एडवर्ब, अर्थात क्रिया विशेषण अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में कुछ वृद्धि करने वाले या उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे ही वर्कड द सम क्विकली। अब यहाँ काम क्रिया हुई है वर्क, माने हल किया द सम को, लेकिन कैसे, क्विकली माने तीव्रता से जल्दी। तो यह कार्य जो हुआ उसकी बारे में बता रहा, वह कार्य बड़ी तीव्रता से हुआ, तो यह क्विकली जो है उसकी विशेषता बतला रहा है, उसके अर्थ को मॉडिफाई कर रहा है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, यह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है सुंदर, लेकिन उसमें और वृद्धि करके वेरी शब्द जो आया है वह एडवर्ब है। सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली, सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। यहाँ करेक्टली प्रोनाउंस करना, उच्चारण करेक्टली एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है क्वाइट, तो यहाँ क्वाइट एडवर्ब है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संबंध सूचक अव्यय, वह शब्द है जो संज्ञा अर्थात नाउन या सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से प्रदर्शित करे, अर्थात वे शब्द जो संबंध स्थापित करते हैं संज्ञा और सर्वनाम का के साथ प्रयुक्त होकर के अन्य शब्दों के साथ उनके संबंध को स्थापित करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय या प्रीपोजिशन कहते हैं। वर्ड्स विच टेल द रिलेशन विद नाउन आर प्रोनाउन आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, देयर इज ए काउ इन द गार्डन। हम देखते हैं कि इस वाक्य में गाय कहाँ है, देयर इज ए काउ इन द गार्डन, इन तो यहाँ संबंध को जोड़ रहा है, काउ और गार्डन के संबंध को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ इन जो है प्रीपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहाँ ऑफ गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ लड़की संगीत की शौकीन है,
तो दोनों के संबंध को संगीत और लड़की के शौक को दोनों को जोड़ रहा है। तो यहाँ ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। कहाँ बैठी है, इस संबंध जोड़ रहा है दोनों का, तो अंडर शब्द नीचे। तो यह प्रीपोजिशन हुए। अब अगला है कंजक्शन। कंजक्शन माने समुच्चय बोधक, संयोजक जिसे कहते हैं। दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात दो शब्द को अथवा दो वाक्य को जोड़ने का कार्य जो करते हैं उन्हें कंजक्शन या समुच्चय बोधक या संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे इंग्लिश में डिफिनेशन होगी, वर्ड्स विच ज्वाइन टू वर्ड्स और टू क्लॉजेस आर कॉल्ड कंजक्शन। वर्ड्स विच ज्वाइन टू वर्ड्स और टू क्लॉजेज आर कॉल्ड कंजक्शन। एग्जाम्पल, राम एंड हरी आर कजिन्स। यहाँ राम और हरी को एंड से जोड़ा गया है, तो यहाँ एंड जो है वो कंजक्शन है। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो मिलकर के चार होते हैं, यहाँ एंड कंजक्शन है। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैं बहुत तेज दौड़ा लेकिन फिर भी ट्रेन छूट गई। तो यहाँ बट शब्द आया है, यह बट क्या है, कंजक्शन है। और अंतिम जिसे हम इंटरजेक्शन अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय नाम से शब्द, विस्मय जो आश्चर्य व्यक्त करे, अचानक हृदय से निकलने वाले मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो हमारे मुंह से अचानक निकलते हैं, हृदय से अचानक निकलने वाले मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्द जो हैं इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया, हुर्रा वी हैव वन द गेम, एलास सी इज डेड। एक तो प्रसन्नता का बोधक है, हुर्रा हम लोगों ने गेम जीत लिया, और एलास दुख है, सी इज डेड, वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हम लोगों ने अब तक इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा। अब इसके आगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक ही शब्द अलग अलग रूप में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग, जो हमारे अचानक आकस्मिक मनोविकारों को व्यक्त करते हुए इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब लास्ट में, वर्ड्स यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, एक ही शब्द अलग अलग सेंटेंसेस में प्रयुक्त होकर के अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाते हैं। वर्ड्स आर सेम, शब्द वही होते हैं। जैसे एक वाक्य को देखें, स्विच ऑन द लाइट, यहाँ लाइट जो है नाउन है। वी लाइट अ फायर, यहाँ लाइट माने जलाना, यहाँ वर्ब है। इज दिस टेबल हैवी आर लाइट, क्या यह टेबल भारी है अथवा हल्का है, यहाँ लाइट एडजेक्टिव है। तो लाइट शब्द किसी वस्तु का नाम है, यह शब्द नाउन है। लाइट शब्द कोई एक्शन बतलाता है, तब यह वर्ब है। लाइट शब्द टेबल का गुण बतलाता है, यह शब्द एडजेक्टिव है। अतः एक ही शब्द अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में प्रयोग में हो सकता है। वाक्य में किसी शब्द का क्या फंक्शन है, उसी से हम जानते हैं कि शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच
महत्वपूर्ण संदेश एंड इम्पोर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू। कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी में स्वयं को एवं अपने परिवार तथा पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए घर से बाहर न निकले। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें एवं अपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। थैंक यू, धन्यवाद।